नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में ड्रग्स एंगल की पड़ताल कर रही एनसीबी की छापेमारी जारी है। आज एनसीबी की टीम ड्रग पैडर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर सुबह से छापेमारी कर रही है। सूर्यदीप रिया चक्रवर्ती के भाई शोभी का स्कूल फ्रेंड है और उसके कई चैट सामने आए हैं। सूर्यदीप को आज एनसीबी दफ्तर लाया जा सकता है। वहीं रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े 7 ड्रग्स पैडलरों की आज ACMM कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में ड्रग्स का मुद्दा उठाया है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग मामले को उठाते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि इसकी तह तक जाना चाहिए, युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है और सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार बुजुर्गों और हाई रिस्क वाले वर्क प्लेस पर काम कर रहे लोगों को आपातकालीन स्थिति में वायरस वैक्सीन दिए जाने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद इस बात का जिक्र किया है। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन ट्रायल का फाइनल फेज पूरा होने में अभी 6 से 9 महीने लग सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाए तो फास्ट ट्रैक वैक्सीन यानी आपातकालीन स्थिति में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा सकता है। दुनिया में वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में कुछ दिन तक नए मामले कम हो गए लेकिन दोबारा मामले बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से दुनिया में पाबंदियों का दूसरा दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। इसराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दोबारा नेशनल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लोगों को अपने घर से 500 मीटर से दूर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसराइल ने 3 हफ्ते तक दोबारा नेशनल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया जो 3 हफ्ते तक चलेगा। पंजाब पुलिस की एक SIT ने राज्य के पूर्व DGP सुमेर सिंह सैनी से जुड़े 26 सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ की है। पिछले कई दिनों से सुमेर सिंह फरार हैं। 1982 बैच के IPS अफसर को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। 1991 में एक युवक के लापता होने के मामले में सुमेर सिंह वांछित है। इस मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व DGP सुमेर सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोहाली कोर्ट ने शनिवार को सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसमें 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कल बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यहां परीक्षण के दौरान तोप का बैरल फटने से सेना के 3 विशेषज्ञ घायल हो गए हैं। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो को लेकर DMRC ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत लाइन 2 यानी येलो लाइन पर सेवाएं सोमवार सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेंगी। इस शेड्यूल में साम्यपुर, बादली और विश्वविद्यालय स्टेशनों के बीच सामान्य सेवाओं को अप और डाउन दोनों लाइनों के माध्यम से चलाया जाएगा। सिंगल लाइन सेवाएं विश्वविद्यालय और राजीव चौक स्टेशनों के बीच उपलब्ध होंगी। ट्रेन की कम फ्रीक्वेंसी के चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह CM योगी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा के दौरान इन नए हवाई मार्गों की मंजूरी का आग्रह किया था। यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी को लेकर CM योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोमवार से जिम और योगा सेंटर खुल गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जिम और योग संस्थान को तुरंत प्रभाव से खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इस दौरान इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक जिम और योग सेंटर के अलावा साप्ताहिक बाजार को भी 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत दी गई है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर यानी आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में सत्र के पहले ही दिन उपसभापति का चुनाव होना है। चुनाव में NDA की ओर से अगर हरिवंश नारायण सिंह इस पद के उम्मीदवार हैं तो विपक्ष ने मनोज झा को उनके सामने खड़ा किया है। हरिवंश JDU से हैं और झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। मनोज झा RJD से हैं और बिहार से हैं। चुनाव दोपहर 3 बजे शुरू होगा और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। वैसे अब राज्यसभा का आंकड़ा भी NDA उम्मीदवार के पक्ष में है। ऐसे में हरिवंश को जीत में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।